नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दर्दनाक खबर के साथ। बता दें कि जिस वक्त देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, खुशियों के सरोवर था और हर कोई बधाइयों का शोर देखने को मिल रहा था, ठीक उसी वक्त राजधानी दिल्ली में सड़क पर एक बेटी बेसुध पड़ी हुई थी, बिना कपड़ों के बेजान शरीर के साथ देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर। बता दें कि रईसत जादो के बेटी को घसीटते हुए मार डाला है। पुलिस ने 5 लड़कों को पकड़ लिया है। दिल्ली के सुल्तानपुर में बता दें कि कियाजवाला इलाके में नए साल के जोश में होश उड़कर कार सवार युवकों ने लड़की की स्कूटी को टक्कर मारी। कार के साथ लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा डाला। वही बता दें कि रईस जादो ने इस कार को चलती कार के साथ ही लड़की सड़क पर घसीटती रही। जब तक इस हादसे का पता चला तब तक लड़की का शरीर जख्मों से भरा हुआ था। सड़क पर घसीट घसीट कर पूरा शरीर छिल चुका था। लड़की बेजान हो चुकी थी और सांसें खत्म हो चुकी थी। उधर पुलिस इस केस पर बता दें कि दुष्कर्म के बाद से गलत बात बता रही है, साथ ही आरोपियों से पूछताछ कर पूरी घटना का पता लगाने में जुटी हुई है। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये मामला है जहां पर बता दें कि एक लड़की के साथ किस तरीके से एक दरिंदों ने किस तरीके से एक लड़की को घसीटते हुए नजर आए हैं। और साथ ही बता दें कि दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर बता दें कि कल नए साल की रात में ये दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां पर एक कार सवार लड़कों ने स्कूटी से जा रही लड़की को टक्कर मारी। पहले तो उसके बाद 10 किलोमीटर घसीटते हुए उसको ले गए हैं। इस वजह से लड़की के कपड़ों के साथ साथ उसकी शरीर भी छत विछत हो गया है। मेरे दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंझावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा, वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा, मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई PCR वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो। चौथा, वो ये बताएं कि क्या कार्यवाही करी गई, जैसे ही जब कॉल आई पहली PCR के ऊपर तो क्या एक्शन लिया गया, उस गाड़ी को ढूंढने के लिए, उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही करी। पांचवा, वो ये बताएं कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे चल रहे थे। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं, जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इशू करे हैं, उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा। ये केस पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है और बहुत ही ज्यादा भयानक केस है, जो कि नई दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पे करा गया और वो भी न्यू ईयर्स ईव पे करा गया। बहुत शर्म की बात है और दिल्ली पुलिस को ये सारे सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। दिल्ली के सुल्तानपुर का ये मामला है, जहां पर बता दें कि नए साल पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। और सैयद हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो हेड है हमारे। सैयद, जिस तरीके से दिल्ली के सुल्तानपुर से ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जिसमें पूरे दिल्ली नहीं पूरा देश डूबा हुआ था, उस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन ये सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोलता नजर आ रहा है। ये पूरा मामला जिस तरीके से मामला सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालिना ने आउटर डिस्ट्रिक्ट DCP को नोटिस इशू किया है और हम कह सकते हैं कि जो आयोग है उसके सामने पेश होने को कहा गया है और कई सवाल भी खड़े किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आखिर इस तरीके की अगर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे तो फिर इतनी बड़ी जघन्य अपराध को अंजाम कैसे दिया गया। तो ये कई सारी चीजें हैं जिस पर लेके आता है। वही अगर हम बात करें जिस लड़की के साथ ये हैवानियत हुई है, उसका अभी फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसको दिल्ली महिला आयोग की
टीम भी देखने जाने वाली है और पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए खुद दिल्ली महिला आयोग ने इस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू किया है जो जवाब देना होगा। तो कई सारी चीजें हैं जिस तरीके से लगातार दिल्ली के आसपास के इलाकों में, खासकर दिल्ली में आउटर डिस्ट्रिक्ट में, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह के इलाके जो आउटर के हैं दिल्ली के, जो दूसरे राज्यों के बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र हैं, उसमें जो देखने को मिल रही है इस तरीके की वारदातें, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर दिया गया है। इस मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है लोगों को, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी जो निकलकर सामने आई है कि नया साल के स्मृति शराब के नशे में थे और अपनी कार से जा रहे थे, स्कूटी पे ये लड़की थी जो जिसको टक्कर मारी गई, उससे बहस हुई है, बहस होने के बाद जो है उसके साथ इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि दिल्ली आयोग पूरी तरीके से एक्टिव है, दिल्ली पुलिस लगी जरूर है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें, लेकिन मामले की तहकीकात अभी तक पूरी नहीं हो पाई है जो की जा रही है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि क्या शराब के नशे में तो नहीं थे, क्या इसके साथ कोई और घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया, किसी बलात्कार की घटना तो नहीं हुई है, या और बहुत सारे एंगल से दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। सोनाली सैयद, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जिस तरीके से एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर, राजधानी की सड़कों पर एक लड़की के साथ इतनी गंदी तरीके से एक लड़की को घसीटा गया, जो पीड़िता जो थी उनकी जो माँ है, उनका ये कहना है कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है, कहीं ना कहीं जी सैयद बताएं। बिल्कुल सोनाली, परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप है कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है पीड़िता के साथ, और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग पीड़िता के परिवार ने की है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस इस तरीके से दावे करती है, देश के नंबर वन पुलिस होने के दावे करती है, दिल्ली पुलिस यानी दिल की पुलिस, आखिर उस दिल की पुलिस के कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में इतना सख्त अगर इंतजाम नए साल पे किया गया था तो इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया, क्या वहां पर पेट्रोलिंग नहीं थी, क्या उस तरीके की जिस इलाके में ये घटना हुई उस इलाके में पुलिस के गश्त नहीं थी या वहां पर इंतजाम नहीं थे, कई सारे सवाल है और दिल्ली पुलिस के सामने इस बार चुनौती जरूर होगी। नए साल के पहले दिन अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिए तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की साख पर बट्टा लगना लाजमी है, और इस तरीके की चीजें अगर होती है तो आयोग हो या दूसरे जो है डिपार्टमेंट हो, वो विभाग इस तरीके की कार्रवाई के लिए जरूर दिल्ली पुलिस पर प्रेशर बनाएंगे। तब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा करती है और पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस, जिस तरीके से इस मामला ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की एक साफ लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लेकिन सैयद, बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्या इस मामले को लेकर वहाँ पर जिस तरीके से न्यू ईयर था वहाँ पे दिल्ली पुलिस सड़कों पर नहीं थी, कि जगह जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं, वहाँ पर क्या दिल्ली पुलिस की तैनाती नहीं थी? जहाँ दिल्ली पुलिस बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं न्यू ईयर के दिन जहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, क्या वहाँ दिल्ली पुलिस नहीं थी? दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस पर भी तो सवाल खड़ा हो रहा है, दिल्ली पुलिस पर कौन कार्रवाई करेगा? सैयद बिल्कुल देखिए सोनाली, ये कोई पहली बार नहीं है इस तरीके की। पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो नए साल के जश्न में जब दिल्ली समेत पूरा देश डूबा था, उस समय भी इस तरीके की 2 से 3 घटना हुई थी जिसमें दिल्ली पुलिस की साफ पर बट्टा जरूर लगा था और उस पर सवाल निशान खड़ा हुआ था कि आखिरकार जब आप ये कहते हैं, एडवाइजरी जारी करते हैं कि हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और अलग अलग जगह, तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली पुलिस सिर्फ सेंट्रल के इलाके जो बड़े संवेदनशील इलाके हैं वहीं पर रहती है? इस तरीके के एरिया जो हैं, जो आउटर डिस्ट्रिक्ट के एरिया हैं, ज्यादातर गांव के इलाके हैं, क्योंकि आउटर डिस्ट्रिक्ट का मामला है ये, और आउटर डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरे राज्यों से सटे हुए ये इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर पुलिस के इंतजाम नहीं थे। दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन इस तरीके की घटना हो जाना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के दावों की पोल जरूर खोल रहा है। जी सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कब तक हमारे देश की बेटियां इस तरीके से असुरक्षित रहेगी, कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और एक लड़की शिकार होती रहेगी। पहले निर्भया वाला मामला, उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की के ऊपर किस तरीके से एसिड अटैक हुआ था, आपने भी देखा था, और उसके बाद ये मामला इस तरीके से, और न्यू ईयर के दिन ऐसी घटनाएं सामने आना जहां दिल्ली पुलिस को ज़्यादा तैनाती होनी चाहिए थी, हर जगह दिल्ली पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी, वहाँ इस तरह का मामला आना काफ़ी शर्मसार है। सैयद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से महिला जो मौत हुई है, मृतका की जो माँ है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि घर में कमाने वाला एक ही इंसान था, उनकी बेटी, और वो काम से घर आ रही थी, और इस दौरान जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, अब
उन फैमिली को, उन फैमिली के साथ उन फैमिली को क्या कुछ दिया जाएगा जिसके वजह से उनका भी घर चल सके, क्योंकि उस घर में कमाने वाला एक ही इंसान था जिसकी अब मौत हो गई है। सैयद देखिए सोनाली, ये एक बहुत बड़ी बात अगर हम कहें तो हो सकती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें अगर, इस तरीके की घटनाएं अगर किसी एक परिवार, किसी एक शख्स के साथ होती है तो वो एक शख्स उससे इफेक्टेड नहीं होता, उससे पूरा परिवार उसका इफेक्टेड होता है। जैसे इसमें मृतिका ही पूरे घर का पालन पोषण करती थी, वही एक इकलौती कमाने वाली थी, तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की भी बहुत बड़ी स्थिति खड़ी हो सकती है परिवार के सामने। तो इसमें सरकार को, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है और जवाबदेही केंद्र के समक्ष होती है, गृह मंत्रालय के समक्ष होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को संज्ञान में लेके उस परिवार की आर्थिक मदद की बात हो या फिर उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात हो, दूसरे तरीके से उसको करना चाहिए। लेकिन अगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस दावे करती है, उस दावे अमूमन उसके दावे खोखले साबित होते हैं, कि जिस तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरा इंतजाम करती है कि हमने दावे किए, खुद स्पेशल सीपी ट्रैफिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा रूट एडवाइजरी जारी की थी, खुद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने इस तरीके की बात की कि दिल्ली में न्यू ईयर पर कड़े इंतजाम होंगे। आपने भी देखा होगा कि हमने भी अपने चैनल पर कई बार खबर चलाई कि दिल्ली पुलिस में पुख्ता इंतजाम है कि अगर आप शराब पीकर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भारी जुर्माना या आप के लिए मुसीबत का बायस बन सकता है। तो इन सब चीजों के बावजूद भी अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। जी बिल्कुल सैयद, सही कहा आपने, जिस तरीके से ये सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस पर, उसको जवाब देना चाहिए। और सैयद, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, अब आरोपियों पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, क्या कुछ सजा उनको मिलेगी, क्या कुछ तय हुआ है? देखिए अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है, और अगर सजा की बात करें तो अगर बलात्कार की पुष्टि होती है, इसमें तहकीकात का पूरा मामला है, पूरी छानबीन की जाएगी, उसके तहत जो भी मामला निकलकर सामने आता है, क्योंकि एक लड़की की डेथ हुई है तो कहीं ना कहीं 302 का भी मुकदमा हो सकता है, उसमें कह सकते हैं 376 का भी मुकदमा हो सकता है, और कई सारी चीजें हैं, ये जांच का एक विषय है। जांच के बाद ही पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि किन किन धाराओं के तहत इन आरोपियों पर मुकदमा चलेगा, उनको कितनी सजा होगी। बिल्कुल बिल्कुल सैयद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से दिल्ली में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है सुल्तानपुर इलाके की, ये कहीं ना कहीं पुलिस पर काफ़ी बड़ी सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में ये मामला सामने आया है और जिस तरीके से पुलिस उस जगह पे मौजूद नहीं थी, और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर पुलिस पे भी सवाल खड़ा होता है कि पुलिस उस जगह पे क्यों नहीं थी, क्योंकि न्यू ईयर का समय था और पुलिस का वहां होना काफी जरूरी था। चले आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रजौरी में आईडी ब्लास्ट हो गया है, ब्लास्ट में 3 लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि धांधड़ी जिस वक्त पर ये ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त वहां पर रविवार को हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। रविवार को आतंकियों ने रजौरी में 4 लोगों पर फायरिंग कर हत्या कर दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रजौरी और श्रीनगर के जदीबल इलाके में रविवार देर रात आतंकवादियों ने हमला किया है। आतंकवादियों ने रजौरी में हिंदू परिवारों पर फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाथरस में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि मथुरा रोड पर एक बुलेरो गाड़ी खड़े ट्रैक्टर में के पीछे टकरा गई है, जिससे बुलेरो गाड़ी में सवार 6 लोग में से 3 लोग मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गए हैं। गंभीर रूप से 3 लोग बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने 3 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं डॉक्टरों ने 2 लोगों को गंभीर हालत में देखते हुए अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मुरसान वाले मार्ग से बुलेरो और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई है, और उसमें तकरीबन 6 लोग बुलेरो में सवार थे, उसमें से 3 लोग जो थे वो इंजर्ड होके आए, 3 लोग मृत थे। तो 3 जो इंजर्ड थे उनको मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है, और जो डेथ हो गई है उनको पहचान हो गई है, तो उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया है और उनमें से कुछ लोग आ भी गए।
कासगंज में सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में बता दें कि टेम्पो सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 4 बच्चे, 1 महिला, 1 युवक शामिल है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए पटियाली CHC में भर्ती कराया है। श्रावस्ती में बीते रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल घने कोहरे के चलते बाइक पेड़ से जा टकराई। वहां पर हादसे में बाइक सवार की एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरे युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल पुलिसकर्मी की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर किया है। वहीं कासगंज में मुख्यमंत्री के आदेशों की नगर पालिका परिषद में धज्जियां उड़ाई गई है। बता दें कि कड़कड़ाती सर्दी में तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क रैन बसेरा नहीं मिल रहा है। वहीं ताला लगे हुए रैन बसेरा पर प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सोड़ों से नगर पालिका परिषद की लापरवाही खुलेआम सामने आई है। वहीं शाम होते ही तीर्थ यात्री भटकने को मजबूर दिखाई दिए हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। आप पुलिस में भर्ती हैं? हाँ, पुलिस विभाग से हैं, यहाँ ड्यूटी पर आते हैं। किस विभाग में भर्ती हैं? होमगार्ड विभाग से हैं। कहाँ ड्यूटी अभी चल रहा है आपकी? ड्यूटी हमारी थाना सोनों पर है ना। इस समय आपको कौन सा पॉइंट आपका? पॉइंट है बदरिया चौक। तो यहाँ सर्दी पड़ रही है, क्या अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है कोई? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ये हमको स्वयं अपनी व्यवस्था करने की लानी पड़ती है। नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कासगंज की एक खबर है जहां पर निशुल्क रेन बसेरा यात्रियों को नहीं मिल रहा है, वहां पर ताला लगा हुआ है। नगर पालिका परिषद की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कासगंज में, जहां पर यात्रियों के लिए जहां पर बता दें कि रेन बसेरा बनाया गया था वहां पर ताला लगा हुआ नजर आया है। और इस मामले को लेकर बता दें कि जिस तरीके से लापरवाही ये देखने को मिली है, यात्री मजबूर देखने को मिले हैं। शाम होते ही यात्रियों को बाहर सड़कों पर रहना पड़ा। और बता दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कासगंज से, ये नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर यात्रियों के लिए ही रेन बसेरा बनाया गया था और ये रेन बसेरे में जब यात्री वहां पहुंचे तो वहां पर ताला लटका हुआ था। इस ठंड के मौसम में यात्रियों को बाहर सड़कों पर रुकना पड़ा, सड़कों पर रात बितानी पड़ी। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं नगर पालिका पर भी बड़ा सवाल खड़े करता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।